हेलो एवरीवन, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन आईएएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है आप सभी का। मैं संजय ठाकुर राज व्यवस्था के एक बेहद संकल्पनात्मक टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पर विमर्श करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, सबसे पहले हम लोग न्यायिक समीक्षा का अभिप्राय समझेंगे कि न्यायिक समीक्षा कहते किसे हैं, और इसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के किन प्रावधानों के माध्यम से सुस्पष्टता के साथ न्यायिक समीक्षा का एहसास होता है, आभास होता है। यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि अगर वे संबंधित प्रावधान संविधान में नहीं होते तो क्या तब भी भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता। परंपरागत रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान के मद्देनजर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इन सारे मुद्दे पर हम लोग विमर्श करेंगे। न्यायिक समीक्षा क्या संविधान की आधारभूत ढांचे की संकल्पना से जुड़ी हुई है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, न्यायिक समीक्षा को सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि न्यायपालिका की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से वह विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। न्यायपालिका की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से वह विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। क्लियर? अब सवाल ये उठता है, आपकी जेहन में ये सवाल आएगा कि न्यायिक समीक्षा जैसा ही कंसेप्ट क्यों होता है, विधायिका को लेकर कोई समीक्षा की शक्ति उसे क्यों नहीं प्राप्त है, कार्यपालिका को इसी तरह की समीक्षात्मक शक्ति क्यों नहीं प्राप्त है, हम विधायी समीक्षा की शक्ति की बात क्यों नहीं करते, हम कार्यकारी समीक्षा की शक्ति की बात क्यों नहीं करते, केवल न्यायिक समीक्षा की शक्ति की ही बात क्यों करते हैं, आखिर इसके पीछे कोई वजह है भी या नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, इसकी बुनियाद में ले चलता हूँ। किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना हो और लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना के अंदर अगर लिखित संविधान का प्रावधान किया गया हो तो ध्यान रखेंगे, लिखित संविधान वाली लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना में जो शासन के तीनों अंग होते हैं, शासन सामान्य भाषा में शासन और सरकार, इन दोनों शब्दों को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के बदले। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी देश की संवैधानिक योजना लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना हो और इस लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना के अंतर्गत लिखित संविधान का प्रावधान हो, तो ऐसी व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों, जिसको हम लोग सरकार के तीनों अंग कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, शासन के इन तीनों अंगों की शक्तियों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो न्यायपालिका को शेष दोनों अंगों विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। मीन्स हियर जुडिशियरी इंजॉयस वाइडर जुरिस्डिक्शन कंपेयरिंग टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो
लिखित संवैधानिक योजना में हमेशा आ पाएंगे कि न्यायपालिका के पास विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में अत्यधिक स्वायत्तता होती है। अभी अत्यधिक स्वायत्तता क्यों दी गई होती है? इसीलिए दी गई होती है ताकि न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की इस आधार पर समीक्षा कर सके कि उनका कार्य संविधान सम्मत है या नहीं। अगर मान लीजिए, विधायिका का मतलब होता है विधि निर्मात्री संस्था। अब जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर आपको विधायिका का एग्जाम्पल समझना हो तो केंद्रीय स्तर पे आप केंद्रीय संसद को या भारतीय संसद बोलते हैं, इसे आप विधायिका कहेंगे। राज्य स्तर पे राज्य विधानमंडल को हम विधायिका बोलते हैं, ठीक है। रही बात कार्यपालिका का, तो सामान्य रूप से अगर कार्यपालिका को समझना हो तो केंद्रीय स्तर पे जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला, और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद, इन सबको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका तो स्वस्पष्ट है, न्यायपालिका समझना हो तो देश के अंदर जो अदालती व्यवस्था है ये सब हमारी न्यायपालिका के हिस्से हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय, है ना। तो न्यायपालिका के पास अतिरिक्त स्वायत्तता इसलिए प्रदान की जाती है ताकि यह विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सके, रिव्यू कर सके। अब जाहिर सी बात है, रिव्यू करने की शक्ति हमेशा उसी को दी जाती है जो जिसके अंदर थोड़ी सुपीरियरिटी हो, जिसको आप सुपीरियर मानते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आप आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करने के बाद किससे चेक कराते हैं, उसका परीक्षण किससे करवाते हैं? आप उसी व्यक्ति से परीक्षण करवाते हैं या उसका परीक्षण करने के लिए वही व्यक्ति योग्य माना जाता है जो उस सब्जेक्ट में लिखने वाले की तुलना में, ऐसा मान लो कि वो अधिक ज्ञान रखता हो तो ही वो समीक्षा कर पाएगा, है ना। जैसे आप अपने टीचर से अपने प्रश्नों के लिखे गए उत्तर की समीक्षा कराते हैं, तो यह मानते हुए समीक्षा कराते हैं ना कि टीचर संबंधित विषय वस्तु में आपसे बेहतर राय रखता है, तभी वो समीक्षा करेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को देनी है तो संवैधानिक योजना के अंदर न्यायपालिका को अतिरिक्त स्वायत्तता देनी पड़ेगी, या सीधी सपाट भाषा में कह लो अतिरिक्त शक्ति देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना के अंदर जहां कहीं भी लिखित संविधान का प्रावधान होता है, तय मानिए वहां पर न्यायपालिका के पास विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये तो एक तरह से ढांचागत व्यवस्था हुई कि एक संवैधानिक योजना की ऐसी ढांचा प्रस्तुत की जाए जिसमें न्यायपालिका समीक्षात्मक भूमिका में फिट बैठे। तो लिखित संवैधानिक योजना में न्यायपालिका समीक्षात्मक भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठती है, ये विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। जैसे मान लीजिए भारत की संसद ने कोई कानून बनाया और पता चला कि उस कानून के अंदर तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करेगी, जांच करेगी, और अगर यह पाती है कि ये संविधान सम्मत नहीं है तो ऐसे में उस विधि को या उस कानून को विधि शून्य करार दे दिया जाएगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई प्रशासनिक निर्णय हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ, और पता चलता है कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन संविधान की भावना के प्रतिकूल है, तो उस स्थिति में भी न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा करेगी, और समीक्षा के दौरान अगर उसे संविधान विरोधी पाती है तो निरस्त कर देगी। क्लियर है एग्जाम्पल? तो न्यायपालिका की इसी शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत की संवैधानिक योजना पूरी तरह से इस व्यवस्था पर फिट बैठती है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, हमारा संविधान लिखित कोटि का संविधान है, लिखित प्रकार का संविधान है, तो निसंदेह हमारे यहाँ न्यायपालिका के पास समीक्षा की शक्ति है, ये विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हमने न्यायिक समीक्षा का एक बुनियादी मतलब समझा। अब सवाल ये उठता है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने कहाँ से अडॉप्ट किया। तो आपको बताऊं, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है वो बेसिकली अमेरिकी संवैधानिक योजना पर आधारित है। तो थोड़ा सा हम यहीं पर चर्चा करते हैं कि अमेरिकी संवैधानिक योजना के मद्देनजर न्यायिक समीक्षा का क्या स्वरूप है, है ना। अमेरिकी संवैधानिक योजना, अमेरिकी संवैधानिक योजना, देखिए
अमेरिकी संवैधानिक योजना में मूल रूप से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा नहीं थी। वो तय है कि भारत में अमेरिका से लिया गया है, लेकिन आपको मालूम है ना कि भारतीय संविधान का सृजन और अमेरिकी संविधान का सृजन यानी निर्माण दोनों में बड़ा गैप है। अमेरिका अपना संविधान 1787 ईस्वी में निर्मित कर लिया था, भारत ने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा गैप है ना। 1787 से 1949 तक अगर आप जोड़ते हैं तो 150 वर्षों से ज़्यादा का गैप है ना, 150-200 वर्षों का गैप है। तो मूल रूप से जो अमेरिकी संवैधानिक योजना के अंदर, मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा नहीं थी, यानी संविधान के प्रावधानों के माध्यम से न्यायिक समीक्षा को एक्सप्रेस नहीं किया गया था, न्यायिक समीक्षा को जाहिर नहीं किया गया था। अब चूंकि इसका संविधान 1787 में बन गया था, 1787 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान में आप यूं कह लीजिए न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है ना, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जोड़ी गई। संविधान बन गया 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 1787 में, और लगभग आप मान के चलिए 1868 में एक लंबा गैप है, लगभग 80 साल बाद कह लो, 80 साल बाद अमेरिकी संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जोड़ी गई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब मूल अमेरिकी संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा नहीं थी। आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर जो संविधान पाया जाता है वो बेहद अनम्य प्रवृत्ति का है। एक तो बड़ा ही कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, छोटा संविधान है, और छोटा इन सेंस कि उसके अंदर बहुत कम प्रावधान है, भारत जैसा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और दूसरी खासियत ये है, या दूसरी विशेष बात अमेरिकी संविधान के साथ ये है कि उसमें जो भी प्रावधान हैं वे बेहद भावार्थक हैं। अगर उनमें बदलाव भी लाना है तो विधायिका के द्वारा सामान्य बहुमत से उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान के प्रावधानों की संशोधनीयता जटिल है, उन्हें आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो संसद को, वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका में, तो अमेरिकी कांग्रेस को अक्सर देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार राज व्यवस्था के स्वरूप की तालमेल बैठाई जा सके, इसमें दिक्कत आ रही थी। दिक्कत इन सेंस कि आसानी से संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, आसानी से संशोधन हो जाए तो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप आप बड़ी आसानी से तालमेल बैठा सकते हैं। दूसरी बात, न्यायपालिका भी खुल के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसके लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति चाहिए। तो आपको बताऊं, 1803 ईस्वी में पहली बार अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने, या फिर अगर भारतीय शैली में बात करें तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1803 एडी में, 1803 ईस्वी में एक केस पर सुनवाई करते हुए, केस का बड़ी लोकप्रिय केस है वहां की, मारवरी बनाम मेडिसन वाद, इस केस पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह इच्छा जाहिर की कि संविधान के अंदर न्यायिक समीक्षा जैसी अवधारणा स्वस्पष्ट की जानी चाहिए। ये कमेंट था, ये टिप्पणी था अमेरिकी सर्वोच्च अदालत की। ठीक है, आगे चलकर अमेरिका की संसद ने 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की संकल्पना प्रस्तुत की। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसे कहते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया। जब आगे आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाएगा सिलेबस के अंदर, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा कि विधि सम्यक प्रक्रिया किसे कहते हैं, यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। इनफैक्ट विधि सम्यक प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया ये एक ही है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ड्यू प्रोसेस को हिंदी में यथोचित
विधि प्रक्रिया, इसी को आप इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, विधि सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, विधि सम्यक प्रक्रिया। एक कॉन्सेप्ट होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अभी मैं चर्चा को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता, अभी बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पाई जाती है, इसका क्या इतिहास रहा है। इसे ध्यान रखने के लिए पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि हमने यह कॉन्सेप्ट US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो भाई US कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका क्या स्वरूप है, तो हमने ये जाना कि मूल रूप से US कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना नहीं थी, ये वहाँ की न्यायपालिका के नवाचार का नतीजा है। इट्स बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, द जुडिशियल इनोवेशन, द जुडिशियल इनोवेशन मेड बाय द US फेडरल कोर्ट, US सुप्रीम कोर्ट। सो द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द US कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल इनोवेशन मेड बाई द US फेडरल कोर्ट, द US सुप्रीम कोर्ट, द US अपेक्स कोर्ट। ओके, तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किस किस रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले मार्बरी बनाम मेडिसन वाद के हवाले से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत किया, बताया कि न्यायपालिका के पास संविधान के माध्यम से ऐसी शक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए कि वो विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सके, इस आधार पर कि उनका कार्य संविधान सम्मत है या नहीं। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आपको बताऊं, पांचवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अमेरिका की विधायिका ने, आप यूं कह लीजिए अमेरिकी कांग्रेस ने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा का सृजन किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आगे चलकर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगले पेज पे मैं लिखता हूं, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1968, इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बुनियाद पर यानी यथोचित विधि प्रक्रिया की बुनियाद पर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को अमेरिकी संविधान में जगह दे दी गई। तो लगभग 80 वर्ष बाद, मतलब अमेरिका का संविधान बनने के 80 वर्ष बाद न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को अमेरिकी संविधान में जगह मिली, और इसकी पूरी प्रक्रिया 1803 से शुरू हो गई थी। 1803 में कोर्ट की टिप्पणी आई कि न्यायिक समीक्षा जैसी अवधारणा सुस्पष्ट की जानी चाहिए, विधायिका को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। विधायिका ने प्रयास किया पांचवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और उस प्रयास में ये पाया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले संविधान में जोड़ा जाना चाहिए, तभी जाकर उसकी बुनियाद पर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को जन्म दिया जा सकता है। तो पांचवें संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिकी संविधान के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया का समावेशन किया गया, और फिर 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से यथोचित विधि प्रक्रिया की बुनियाद पर सफलतापूर्वक न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का सृजन किया गया। तब से अमेरिकी संवैधानिक योजना में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है। अब चूंकि शुरुआत में मैंने बोला था आपसे कि भारतीय संविधान के अंदर जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है वो बेसिकली अमेरिकी संवैधानिक योजना से ली गई है, तो मूल संवैधानिक योजना से नहीं ली गई है, 1868 में उनके यहाँ न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को शामिल कर दिया गया था। और हमारा संविधान 20वीं सदी का संविधान है ना, नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो तब तक के लिए तो हमारे पास पुख्ता एक प्रमाण था अमेरिकी संवैधानिक योजना में व्याप्त न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, तो हमने वहाँ से ट्रेस किया। जरूरी थोड़ी है कि किसी संविधान से कोई प्रावधान लेंगे तो तभी लेंगे जब बनने के दिन उस संविधान में वो प्रावधान जोड़ दिया गया हो, नहीं, वर्तमान में आपके सामने जो संविधान है, यानी जब हमारे संविधान निर्माता भारतीय संविधान का सृजन कर रहे थे उस समय जब वो अमेरिकी संविधान को रेफर करेंगे तो आपको नहीं लगता कि विधि समीक्षा की अवधारणा, सॉरी, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा वहाँ व्याप्त होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अमेरिकी संवैधानिक योजना से यह कंसेप्ट लिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत की जो संवैधानिक योजना है
भारतीय संविधान की योजना का ही परिणाम है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा मूल रूप से स्वीकार लिया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा के कंसेप्ट को न्यायपालिका के अभिप्रेरणा से जोड़ा गया या ये न्यायिक नवाचार का नतीजा है, जुडिशियल इनोवेशन का नतीजा है। नहीं, न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में मूल रूप से व्याप्त है और भारतीय संविधान में अगर आपको इसे टटोलना हो, ढूंढना हो, तो आप आर्टिकल 13 को ट्रेस कर सकते हैं। मूल रूप से आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आप आर्टिकल 32 को रेफर कर सकते हैं, आप आर्टिकल 226 को रेफर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो सीधे तौर पे यह जताते हैं कि भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की वकालत करता है, भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो हमने अब तक दो बातें समझी कि न्यायिक समीक्षा का अभिप्राय क्या है और भारत में न्यायिक समीक्षा का स्रोत क्या है। क्लियर है? अब देखिए, सन 1973 ईस्वी में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण वाद पर अपना निर्णय देते हुए न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संविधान के आधारभूत ढांचे से जोड़कर देखा। संविधान के आधारभूत ढांचे के बारे में एक पृथक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, है ना, बट फिलहाल अभी इतना आप मान के चलिए कि 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के हवाले से, वाद बोलते हैं केस को, इसी को मामला भी बोलते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला या बनाम केरल राज्यवाद या बनाम केरल राज्य केस, एक ही बात है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के हवाले से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन किया। संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना, प्रतिपादित की और न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचे से जोड़कर देखा गया। न्यायिक समीक्षा को, यानी न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, वो बेसिकली संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। आपको बताऊं, संविधान की आधारभूत ढांचे का अभिप्राय संविधान के उन प्रावधानों से है जिनके अपने दूरगामी महत्व हैं, या फिर दूसरी भाषा में यूँ कह लीजिए कि संविधान के वे प्रावधान जो पूरी संवैधानिक संरचना की एग्जिस्टेंस के लिए एक तरह से कह सकते हैं पिलर्स की भूमिका निभाते हैं, या एक तरह से फाउंडेशन की भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब कि वे प्रावधान जिनके अभाव में संविधान रूपी ढांचा तहस नहस हो जाएगा, संविधान रूपी ढांचा बिखर जाएगा। तो वैसे प्रावधानों को संविधान के आधारभूत ढांचे में जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि संविधान के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनको संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना जाएगा। ये न्यायपालिका के अलावा किसी को नहीं मालूम है। न्यायपालिका समय समय पर संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए खुद ही रेखांकित करती है कि आधारभूत ढांचे की श्रेणी में संविधान के किस प्रावधान को रखा जाना है या नहीं रखा जाना है। क्लियर है ये बात? जैसे आप सुनते होंगे, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो शीर्षस्थ अदालतें हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जिनको हम लोग उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं, हायर जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादले के संदर्भ में जो प्रावधान है, ये बेसिकली कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा उनका निर्णय लिया जाता है कि किसे कहाँ तबादला करना है, किसे जज बनाना है, नहीं बनाना है, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादले से संबंधित सारे निर्णय कॉलेजियम के होते हैं। कॉलेजियम को चेंज करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से
उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादले को रेगुलेट किया जाना था। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बेसिकली मोदी 1.0 गवर्नमेंट जब बनी तो उसके बाद ये चेंजेस लाने की कोशिश की गई NJSC के माध्यम से। आपने सुना होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आगे चलकर NJSC एक्ट को, संसद द्वारा बनाया गया जो कानून था, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस एक्ट की वजह से न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसको चुनौती मिल रही है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता कहना उचित नहीं होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के आधारभूत ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो इसी की आड़ में, इसी की बुनियाद पर NJSC को क्वाश कर दिया गया, शून्य करार दे दिया गया। तो जब न्यायपालिका ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, तब सबको ज्ञात हुआ कि अच्छा, आधारभूत ढांचे की श्रेणी में एक पहलू और जुड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो सूची है संविधान के कौन कौन से प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे, यह सूची एक तरह से कह सकते हैं निशेष है, निशेष, निशेष है। निशेष का मतलब हुआ कि आप ये नहीं बता सकते कि अमुक अमुक प्रावधान ही बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती रह सकती है, ये डिपेंड करता है न्यायपालिका के ऊपर, यानी इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, इसी को बोला गया निशेष। ठीक है, एनीवे, अब चूंकि जुडिशियल रिव्यू को, कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को न्यायिक समीक्षा का कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचे का हिस्सा मान लिया गया, यानी संसद कुछ भी कर ले, विधायिका कुछ भी कर ले, न्यायपालिका की समीक्षा की जो शक्ति है उसको संकुचित नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? उसको संकुचित नहीं कर सकती। आपको बताऊं 1997 में, इनफैक्ट 1997 क्या, 73 के बाद कई अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जताने का प्रयास किया कि न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है और इस पर संसद चाह के भी कोई प्रतिबंध या निर्बंधन नहीं लगा सकती, है ना, इनफैक्ट संविधान संशोधन के माध्यम से भी इस पर नकेल नहीं कर सकती। क्योंकि आपको बताऊं, इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान के लागू होने से लेकर 1950 से लेकर 1980 तक तमाम ऐसे मौके पाए गए, तमाम ऐसे अवसर देखे गए जहां भारत की संसद और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों आमने सामने पाए गए। आमने सामने का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे से टकराते हुए पाए गए। कहने का मतलब कि कभी संसद के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर रहा है, कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद डिनाई कर रही है, खारिज कर रही है। अच्छी ये बात मालूम है ना आपको कि किसी भी, मतलब न्यायपालिका का कोई भी निर्णय हो, उस निर्णय को भारत की संसद संविधान संशोधन की शक्ति के द्वारा खारिज कर सकती है। हाँ, खारिज कर सकती है। तो ये चीज़ें 1950 से 80 तक खूब देखी गई, बाद में इस पर विराम लगा। विराम इसलिए लगा कि 73 में ही बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का प्रतिपादन हो चुका था, संविधान की आधारभूत ढांचे की संकल्पना प्रतिपादित हो चुकी थी, और उस संकल्पना के बाद इतना तो तय है ना कि न्यायपालिका अगर बोल दे कि संविधान का अमुक प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है तो चाहकर भी संसद उसमें संशोधन नहीं करेगी, और अगर संशोधन कर देगी तो बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देकर, आधारभूत ढांचे का हवाला देकर फिर न्यायपालिका उसे निरस्त कर देगी। तो संसद को भी लग गया कि न्यायपालिका से टकराना उचित नहीं है, अगर न्यायपालिका
बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला दे देती है तो हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बेहतर है टकराव को दूर रखो, आराम से अपना काम करें। लेकिन इसके पहले टकराव हो जाते थे, 50 से 80 के दौर में खूब टकराव देखा गया संसद और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। संसद को लोक संप्रभुता का दम रहता है, घमंड रहता है, भाई हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान प्रभुता संपन्न राज्य है। आप अगर संविधान की उद्देशिका का अवलोकन करेंगे तो उद्देशिका में भारत के अंदर जो सत्ता का स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है इसका उल्लेख किया गया है। भाई उद्देशिका की पहली स्टांजा ही पढ़ोगे आप ऊपर तो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए .. आगे की बातें। यानी भारत के अंदर जो सत्ता का स्वरूप पाया जाता है वह गणतंत्रात्मक स्वरूप पाया जाता है, और जिस देश के अंदर सत्ता का स्वरूप गणतंत्रात्मक हो वही गणराज्य हो पाता है। तो भारत एक गणराज्य है, और भारतीय गणराज्य की पहचान क्या है? इसकी पहचान इसके संप्रभुता संपन्न होने से है, इसकी पहचान इसके समाजवादी होने से है, इसकी पहचान यानी भारतीय गणराज्य की पहचान इसके पंथ निरपेक्ष होने से है, भारतीय गणराज्य की पहचान इसके लोकतांत्रिक होने से है। तो गणतंत्रात्मकता जो सत्ता का स्वरूप है हमारे देश में, इस स्वरूप की पहचान इसकी प्रभुता संपन्नता वगैरह वगैरह से निकाली जाती है। तो चूंकि प्रस्तावना की पहली लाइन ही वी से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि भारत में जो संप्रभुता का मूल स्रोत है वो भारत के लोग हैं, यानी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। इसलिए भारत के लोग ही डिसाइड करते हैं कि हमें कैसी शासन प्रणाली चाहिए, हमें किस तरीके से शासित होना है ना, वो तमाम चीज़ें। एनीवे, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक कंट्रैक्ट है, उस कंट्रैक्ट के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन रूपी कंट्रैक्ट के माध्यम से भारत के लोगों ने, चूंकि भारत के लोगों में संप्रभुता है इसलिए लोगों ने निर्धारित किया कि हम किस तरीके से अपनी शासनिक योजना का संचालन करना चाहते हैं। हमें चाहिए संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में हम पीरियोडिक इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करेंगे, लाइक निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्यों के स्तर पे भिन्न भिन्न प्रकार के निर्वाचन आयोग, ये सारी चीज़ें। तो जो भी आप इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पाते हैं, जो भी आप संस्थागत ढांचा पाते हैं भारतीय शासनिक योजना के तहत, ये ढांचा किसकी देन है? ये ढांचा भारत के लोगों की देन है, और भारत के लोग अपने संविधान के माध्यम से, संविधान रूपी कंट्रैक्ट के माध्यम से अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को इन्होंने डिसाइड किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि चूंकि संसद के माध्यम से लोक संप्रभुता को प्रतिबिंबित किया जाता है, लोक संप्रभुता, पीपल सॉवरेंटी, चूंकि देखिए भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो पूर्णतः लोकतांत्रिक सदन है क्योंकि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है वहां, भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकसभा में मौजूद होते हैं, इसीलिए लोकसभा को लोक संप्रभुता का पर्याय माना जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे जो लोग संसद को अधिक शक्तिशाली करार देने के पक्ष में होते हैं उनका बल लोक संप्रभुता पे होता है। वो कहते हैं कि संसद लोक संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है, लिहाजा संसद से शक्तिशाली कोई नहीं होना चाहिए, ये सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि भारत में शक्तियों का, संप्रभुता का स्रोत भारत के लोग हैं और भारत के लोगों की संस्था है लोकसभा। लोकसभा संसद का अभिन्न हिस्सा है, तो संसद को अत्यधिक शक्तिशाली मानने के समर्थक अपना यह पक्ष देते हैं लोक संप्रभुता का, है ना। और चूंकि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना देने से अब यह तय हो गया ना कि चाह के भी भारत की संसद जुडिशियल रिव्यू पर संशोधन नहीं कर सकती, यानी न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसमें कटौती नहीं ला सकती। तो ऐसा तो लोक संप्रभुता के अगेंस्ट है। हाँ, बट जो लोग न्यायपालिका की अतिरिक्त स्वायत्तता के समर्थक हैं, जो लोग न्यायिक समीक्षा के समर्थक हैं, उनका यह कहना है कि लोक संप्रभुता ये बेसिकली कोई व्यवहारिक अवधारणा नहीं है,
ये बेसिकली दार्शनिक अवधारणा है, फिलोसफिकल कंसेप्ट है, और फिलोसफी हमेशा बदलने वाला कंसेप्ट नहीं होती। कहने का मतलब कि जो दर्शन है वो परिवर्तनशील नहीं होता, दर्शन तो अस्थाई होता है, लेकिन भारत की संसद अस्थाई नहीं है। भारत की संसद के अंदर जिसको हम लोक संप्रभुता कहते हैं, न्यायिक समीक्षा के समर्थक कहते हैं कि उसे लोक संप्रभुता नहीं बोला जाना चाहिए, उसे जनादेश बोला जाना चाहिए। आप जो कहते हैं कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में मौजूद होते हैं, यानी संसद भारत के लोगों की संप्रभुता की नुमाइश का एक माध्यम है, प्रदर्शन का माध्यम है, ये अनुचित है। ये भारत के लोगों की संप्रभुता की नुमाइश नहीं करती, संसद भारत के लोगों के जनादेश को प्रदर्शित करती है, ना कि संप्रभुता को। लोक संप्रभुता एक दार्शनिक संकल्पना है और यह स्थायी संकल्पना है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जनादेश में परिवर्तन होता है। कभी आप कांग्रेस की सरकार पाएंगे, कभी भाजपा की सरकार पाएंगे, संभव है कभी दूसरी पार्टी की सरकार पाएंगे। तो कृपया जनादेश को लोक संप्रभुता से जोड़कर ना देखें। लोक संप्रभुता एक आप कह सकते हैं दार्शनिक संकल्पना है, ये परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन जनादेश तो परिवर्तनशील है। तो अगर आप जनादेश को लोक संप्रभुता करार देंगे तो ये ठीक नहीं है। हाँ, लोक संप्रभुता के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, लोक संप्रभुता को हम कमतर शो कर ही नहीं सकते, लेकिन जनादेश को हम लोक संप्रभुता के बराबर नहीं मानेंगे। इसलिए अगर न्यायपालिका संसद के कार्यों की समीक्षा कर रही है, या फिर न्यायपालिका के निर्णय से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसद बैकफुट पे जा रही है, न्यायपालिका के सामने उसे झुकना पड़ रहा है, तो झुक जाने दो, क्योंकि झुक जाने से लोक संप्रभुता पे कोई आंच नहीं आएगी, लोक संप्रभुता तो यथावत बनी रहेगी। तो इस तरीके से 1980 के बाद आप पाएंगे कि संसद को ये आभास हो गया कि कुछ भी कर लें न्यायपालिका हमारे ऊपर भारी पड़ेगी। न्यायपालिका की स्वायत्तता ऑटोनॉमी हमारी ऑटोनॉमी से अधिक है, और ये कोई और व्यवस्था नहीं करता, ये भारत के लोग ही ऐसी व्यवस्था करते हैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारत का संविधान। क्लियर है? क्योंकि 73 में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के तहत तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया गया। जैसे एक तो न्यायिक समीक्षा ही हो गया, फिर विधि के शासन की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा आप देखेंगे देश का संप्रभु स्वरूप, है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्रात्मकता, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया गया। संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 का संतुलन, मीन्स द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSPs, इट इज ऑल्सो कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तीन सबको बेसिक स्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया, और बेसिक स्ट्रक्चर में भारत की संसद संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बारे में हमने यही समझा कि यह एक ऐसी शक्ति है न्यायपालिका की, जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रित करती है, उन पर सीमा लगाती है। सीमा किस रूप में? ताकि वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन न कर सके, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन न कर सके। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन चूंकि मैं लेक्चर को बेहद छोटा रखना चाहता हूँ, तो एक सामान्य परिचय देना चाह रहा था न्यायिक समीक्षा की संकल्पना को लेकर। विस्तार से जब इस पर चर्चा होगी क्लासेस के अंदर, तो ये 3-4 घंटे का टॉपिक होता है, है ना, वहाँ हम लोग व्यापकता के साथ इस पर विमर्श करेंगे। तो न्यायिक समीक्षा के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।